अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी कटलेट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, आइए देखिए। ये सबसे पहले हमने 1.5 किलो चिकन लिया है। 1.5 किलो बोले तो 250 ग्राम चिकन है। ये आधा नींबू का रस डालना है इसमें। हमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। ये आधे नींबू का रस है मैं बता रही हूँ, पाउडर मसाले डालना है इसमें, ऐड करना है। ये 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच नमक। ये नींबू डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको अच्छे से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट ऐसे मैरिनेट होने देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 10 मिनट मैरिनेट होने देंगे फ्रिज में रख कर। फिर इसे हम पकाएंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा ही तेल लगेगा। इसमें डालना है 2 चम्मच तेल और सारे चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में। आप इसे पैन में भी बना सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब ऐड करेंगे चिकन। इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका सारा पानी सोख हो जाए। इसको चलाते हुए भुनेंगे। अच्छे से भुनने के बाद में इसका सारा पानी सूख जाएगा, तो इसे निकाल लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे इसमें। इसे हम 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। ये 1 कप गोभी है और 1 प्याज है और 1 शिमला मिर्ची है। आप सब्जियाँ अपने पसंद की डाल सकते हो। और 3 आलू मैंने उबाल के रखा है। इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। अब गैस ऑन करेंगे और ये मैंने चिकन को मैश कर लिया है। आप हाथों से मैश कर सकते हो। इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर देंगे। और सब्जियों के हिसाब का हम नमक डालेंगे इसमें। सारी सब्जियाँ मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें सब्जियों का हिसाब का नमक डालेंगे 1/2 चम्मच और इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हो या मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हो इसमें। मैं चिली पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, फिर बाद में 3 से 4 चम्मच हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। इसमें थोड़ी नमी होती है, ये थोड़ा अच्छा सा जूसी फ्लेवर देता है। इसमें डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स ताकि हमारे कटलेट अच्छे से बने। ये थोड़ा आधे डाली हूँ मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर बाद में और आधा डालूँगी। ये 2 ब्रेड के मैं ब्रेड क्रम्स है, 2 ब्रेड के मैंने बनाए हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे। ये और आधा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। देखिए फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे सारे मसाले के एक साथ में हो जाए। ये अच्छे से मैं भून रही हूँ। इसमें अब देंगे तंदूरी फ्लेवर के लिए स्मोक। तो 1 कोयला मैंने गरम कर लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा तेल और मैंने स्मोक दे दिया है। देखिए अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये मैंने 3-4 चम्मच मैदे का पेस्ट बनाया है ऐसा कटलेट बनाने के लिए। और ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड पहले हमें एक गोल शेप बनाएंगे कटलेट का, फिर बाद में मैदे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। देखिए मैंने बनाया है और अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे चटपटी और आसान रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।